नमस्कार, मैं उदयनाथ, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। चुनावी घमासान चरम पर है और यही वजह है कि पूरे हरियाणा में हमारी टीम जा रही है और जगह जगह चाय पर चर्चा कर रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि हरियाणा का मिजाज क्या है, चुनावी मिजाज क्या है। और जब आप चाय की चर्चा पर होते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग मिलते हैं जो सुबह सुबह चाय पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये अंबाला कैंट है, अंबाला कैंट का ये चौक है जहाँ पर बहुत सारे लोग इस चाय की दुकान पर आते हैं सुबह सुबह। और यही नहीं, यहाँ पर कई बड़े नेता भी आते हैं चाय पर चर्चा के लिए, चाय पर या लोगों की समस्याएं सुनते हैं। अनिल विज यहाँ से बीजेपी के टिकट लड़ रहे हैं, इसके अलावा निर्दलीय जो है प्रत्याशी भी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। लेकिन जब चाय की बात करते हैं तो ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और ये आंकड़ों की बात नहीं है, ये दिल की बात है। और देखिए, इतने सारे लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अंबाला कैंट के दिल में क्या है, मतदाता क्या सोच रहे हैं, मतदाताओं के मन में क्या है। देखिए, ये जो अंबाला कैंट है ये हॉट सीट इसलिए कही जा सकती है क्योंकि अनिल विज की बात करें तो अनिल विज जो है यहाँ से कह चुके हैं पहले ही कि मैं मुख्यमंत्री मटेरियल हूँ। तो जाहिर सी बात है कि क्या इस तरीके की सोच यहाँ के लोगों में है या फिर कोई और पॉलिटिकल पार्टी है जो एक विकल्प दे रही है। और इन सबके बीच पूरे हरियाणा में अगर आप कल अमित शाह की रैली देखें तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले MSP का मतलब बताएं, क्या उनको पता है कि नहीं पता है। उधर कांग्रेस भी लगातार प्रहार कर रही है, आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। इन सब के बीच हम हैं अंबाला कैंट में। अंबाला कैंट में कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अंबाला में सुबह सुबह लोग चाय पर क्या सोचते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं और यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहले ये बताइए, कौन जीत रहे हैं? सर, अभी कुछ नहीं कह सकते, यहाँ पर मुकाबला इतना कंजस्टेड है ना कि अभी रिजल्ट बता नहीं सकते आप एंड तक। आप बता दीजिए कौन जीत रहा है अभी यहाँ पे, जैसे माहौल लग रहा है, अभी त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है मेरे को। और त्रिकोणीय मुकाबले में यहाँ पे स्थानीय लोगों के कुछ मुद्दे भी हैं, जैसे मतलब कुछ चीज़ें चल रही हैं तो लोग बाग काफ़ी खफा हैं। तो उस हिसाब से ये कि मेरे को लगता है जो हार जीत का फैसला होगा वो बड़े कम मार्जिन से होगा, तो उसमें नेचुरल बात है आम पार्टी भी आ गई है, कांग्रेस भी आ गई है, बीजेपी होगी, इन तीनों का मुकाबला चल रहा है। तो अभी क्या कि सिचुएशन तो 8 तारीख को पता चलेगा जब इनकी किस्मत खुलेगी, बट ये कि रोचक मुकाबला मिलेगा आपको यहाँ पे क्योंकि स्थानीय मुद्दे जो हैं, स्थानीय मुद्दों में ये कि इनकी जो सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, जैसे सफाई का मुद्दा है, ड्रेनेज का मुद्दा है, सबसे बड़ा भयंकर ये कि अगर बारिश हो जाती तो पानी बहुत भर जाता है यहाँ पे, तो उस पानी के मुद्दे पे ये है कि आज की डेट में लोग बाग यहाँ पे व्यापारी वर्ग, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो मेन मार्केट है, यहाँ पे पानी बहुत भरता है, तो ये मेन मुद्दे पे ही इलेक्शन लड़ा जा रहा है, इन सब मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रहा है। कुछ और लोग हैं, आप ही बताइए सर कि अगर आप वोट डालने 5 तारीख को जाएंगे तो आपके जहन में क्या रहेगा? सर, मेरे जहन में यही रहेगा कि देखो ऑलरेडी अंबाला में डेवलपमेंट बहुत हुई है विदाउट एनी सेकंड थॉट। आप अंबाला का सिविल हॉस्पिटल देखो, मिनी सेक्रेटरीट देखो, आप निकलसन रोड ही देख लो, मतलब कि ये कह देना कि ये चंडीगढ़ से कम नहीं है तो ये भी कोई दोराई वाली बात नहीं है। यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट हो रही है, बहुत पुराना शहर था, मतलब कि इतना पुराना शहर था उसको डेवलप करने में देखो टाइम ज़रूर लगेगा। जो सदर एरिया उसमें तो डेवलपमेंट बहुत फास्ट तरीके से हो रही है, थोड़ा कॉलोनियो साइड डेवलपमेंट वाले प्रोसेस चल रहे हैं जो अंडर प्रोजेक्ट है। अब सिविल हॉस्पिटल जाके देखो, इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बना दिया, अंबाला में हज़ारों स्टंट डल गए। आप हरियाणा में किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ जहाँ कोई बता दे कि एक स्टंट भी डलाओ, हज़ारों स्टंट अंबाला में डल गए, हज़ारों डेंटल इम्प्लांट डल गए। सर, मैं अभी डॉक्टर साहब की बात का जवाब देना चाहूँगा, हम सभी लोग लोकल हैं। सबसे पहले इन्होंने मुद्दा बताया सिविल हॉस्पिटल के कि स्टंट डले हैं। सर, हिंदुस्तान के अंदर यह इकलौता एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसके ऊपर सरकारी बिल्डिंग के ऊपर प्राइवेट है। वो डॉक्टर साहब से पूछो क्या वो प्राइवेट नहीं है, वो प्राइवेट बिल्डिंग है। नीचे से बंदा ऊपर रेफर होता है और ऊपर से सीधा ऊपर रेफर होता है, ठीक है सर। छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम हो सीधा PGI रेफर होते हैं। आप कभी रात को जाके देख लेना, कभी सिक्योरिटी गार्ड ग्लूकोज लगा रहा होता है वहाँ पे। वहाँ के स्टाफ जो हैं बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है, अनट्रेंड स्टाफ है। और वो स्टाफ यहाँ का मुद्दा क्या है ये तो बताइए ना, यहाँ का मुद्दा क्या है, डेवलपमेंट मुद्दा है क्या है यहाँ के? सर, बेसिकली 5 मुद्दे हैं। एक यहाँ पर जो डेवलपमेंट का जो इन्होंने बताया ना कि ये रोड बना है, सर पूरे 10 साल सड़कें खुदी रही हैं, ये अब शुरू हुई है 2 महीने से। बीजेपी तो कह रही है काम के नाम पर वोट मांग रही है। मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, इनके काम आप और लोगों से पूछ लेना,
ये 10 साल बाद अब सड़कें बनना शुरू हुई है। सिविल हॉस्पिटल का बताया वो ऊपर प्राइवेट है, ड्रेन सिस्टम में इन्होंने 250 करोड़ रुपए लगा दिया, लेकिन पूरा अंबाला खंड 15 मिनट की। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं, ये बताइए डेवलपमेंट हुआ है क्या? नहीं हुआ सर। आप देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं सड़कें बनी हुई है, आप जो लोकल लोग हैं, लोकल गलियां हैं, वहां पर जाकर देखिए, अगर 15 मिनट बारिश हो जाए ना, लोग ना घर से बाहर नहीं निकल सकते। सड़कें ठीक नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं है सर। डेवलपमेंट की बात करिए, अभी मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे। डेवलपमेंट किस चीज़ की हुई है वो बता देता हूँ। पहले शराब शरेआम नहीं बिकती थी, आज शरेआम बिकती है, ये डेवलपमेंट हुई है। पहले चिट्टा शरेआम बिकता नहीं था, आज चिट्टा शरेआम बिक रहा है, ये डेवलपमेंट हुई है। मंत्री जी के राज में वो कहते थे कि हम सिंगापुर बनाएंगे, स्विमिंग पूल बना दिया। 20 मिनट की बारिश यहाँ पे स्विमिंग पूल बना देती है, बच्चे तैरने पे मजबूर हो जाते हैं। लोगों के घरों में जा जाके तो देखो, आप कल की बारिश में देख लो, आपको पता लग जाएगा। साहब ये बताइए कि ये तो कह रहे हैं डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। सर ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल बना अंबाला में। सर देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अंबाला में जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे भाई नीलवी जी की बात की जाए, चाहे हमारी बहन चित्रा की बात की जाए, चाहे हमारे भाई परी की बात की जाए, चाहे ओंकार सिंह जी की बात की जाए, हर कोई डेवलपमेंट को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है। डेवलपमेंट हुई है, इसमें कोई दोराय नहीं है, डेवलपमेंट नहीं हुई इसमें। ये आप अगर आज स्विमिंग पूल की भाई साहब ने बात करी, देखो जो मैं सच बोलूँगा, जो सच्चे मुद्दे हैं, अंबाला में ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल बना है, बताओ और कहाँ पर बना है? अगर हम इसको कहते हैं, आप कैमरा घुमा के देख लो सड़कों की हालत, आपको इधी सिनी चार चौंकों पर पता चल जाएगा अभी सड़कों की क्या हालत है। आप कैमरा घुमाओ निकलसन रोड पर, आपको पता चल जाएगा सड़कों की क्या हालत है। ठीक है, देखो डेवलपमेंट एक एंडलेस प्रोसेस है, डेवलपमेंट कभी भी नहीं रुकती। बोलने दीजिए। डेवलपमेंट एंडलेस प्रोसेस है। हाँ बहुत सारे इलाके हैं जो डेवलपमेंट चल रही है, जो अंडर प्रोसेस। आप भी बताइए, आप भी यहीं रहते हैं, डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आज की डेट में ये बोल रहे हैं कि भाई साहब रोड बन गए हैं, लेकिन रोड पे कितना पानी भरता है उनसे ये तो पूछ लो आप। कम से कम जब रोड भर जाता है तो मतलब ये डेवलपमेंट नाम की चीज है? डेवलपमेंट का होता है कि बंदे को आराम से मार्केट में आराम से आए। अगर एक बंदा मान लिया पानी भरा हुआ है और वो बेचारा तैर के आ रहा है पानी में, तो वो ये डेवलपमेंट है? और ये सही कह रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल में आप जाके देखो, एक्चुअल आपको पता चलेगा आप सिविल हॉस्पिटल का। और यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का तो बहुत बुरा हाल है, ड्रेनेज सिस्टम अगर सुधारू हो तो नेचुरली बात है यहाँ पानी ना भरे। ऐसे ये फुहारे अगर फाउंटेन लगा देंगे तो इसका ये डेवलपमेंट थोड़ी ना, लाइट ही लगा देंगे। फुहारे की बात कर रहे हैं, फुहारा मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखा देंगे कि इधर अगर आप देखते हैं तो फुहारा तो लगा है, लेकिन डेवलपमेंट क्या यही है? एक चाय वाले की दुकान है तो चाय वाले से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि वो आप बताइए कब से चाय बेच रहे हैं? बोलिए क्या नाम है आप? हमारा नाम पूरन है जी। पूरन भाई क्या माहौल है यहाँ? अच्छा जी माहौल तो बराबर ही चल रहा है अभी तक तो। मुकाबला तगड़ा है। हाँ तगड़ा मुकाबला है जी। अब तो एक तो जी चित्रा मैडम जी हैं और एक हमारे अनिल विज जी हैं, इन्हीं का मुकाबला चल रहा है जी। अच्छा निर्दलीय से मुकाबला चल रहा है ब्रिज जी? हाँ जी, वो ऐसा है ना जी, चेहरा है बंदों का, जिनका चेहरा होता है उन्हीं को ही बंदे जानते हैं ना, और जिनको चेहरा नहीं उनको कौन जानेगा, ऐसी है। बताओ इस बार जो है चाय पे चर्चा के लिए वो भी आते हैं, यहीं पर आते हैं, मैंने सुना है कि यहाँ पर आते हैं, क्या चाय वाला इस बार सीएम बन जाएगा क्या? चाय वाला सीएम बन जाएगा? अरे हम कहाँ सीएम बन सकते हैं। विज साहब की बात कर रहा हूँ। हाँ वो पहले भी बनने वाले थे सीएम, अब बन ही जाएंगे। बनेंगे, जीतेंगे? हाँ जीतेंगे तो बनेंगे। तैयारी पूरी है बनने की। हाँ है आपका? मेरा ऋषभ। ये बताओ माहौल क्या है? माहौल बाबा जी का ही है जी, हमारे अनिल विज जी का ही है माहौल। जी का ही है, क्यों? वो ही बनेंगे सीएम। अब कह रहे हैं काम ही नहीं किया सबका ही, आप काम यहाँ बहुत काम करे जी, अंबाले का सुधार करा उन्होंने। अब बताइए देखिए, ये तो कह रहे हैं कि काम हुआ है, काम हुआ है यहाँ? देखो सर हम तो लोकल रिक्शा चलाने आते हैं भाई, वो ये काम तो देख रहे हैं यहाँ का भाई, हर रोज मिस्त्रियाँ पर गाड़ियाँ या तो खड़ी हो वहाँ रोड की वजह से, तो बस परेशानी है, रिक्शा चलाते हैं हम यहाँ पे। अच्छा देखिए, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ लोग कह रहे हैं चाय वाला तो कह रहा है विकास हुआ है, आप ये बताओ वो तो कह रहा है कि विकास हुआ है? सर विकास की बात तो मैं फिलहाल करना नहीं चाहता, एक यहाँ पे आप विकास की ही बात करो ना। विकास अगर हुआ नहीं ना यहाँ पे 10 साल कह रहे हैं चाय वाले बहुत बढ़िया, किस चीज का विकास हुआ है? जो भी यहाँ पे नहीं है नौकरियां, यहाँ पे नहीं रोजगार, यहाँ पे खत्म हो गया, किस चीज की डेवलपमेंट है, किसी का विकास हुआ है? अब मेन मुद्दा बताता हूँ मैं क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ग्लासवेयर चलता है, मतलब ये साइंस सिटी अंबाला कैंट, यहाँ पे ग्लासवेयर में काम होता है,
यहाँ पे क्या हुआ है कि ग्लास वेयर के ऊपर ISI मार्क का ना कंपलसरी कर दिया है, जिससे छोटे छोटे जो व्यापारी है ना वो सारे खत्म हो गए हैं। उससे क्या दिक्कत है? उससे दिक्कत ये है कि जो जो 4-5 फैक्ट्री ना सर, ये इनके पास ही जाएगा जो मार्क है। इनके लिए छोटे व्यापारी 30 लाख रुपये नहीं लगा सकता। जो टेस्टिंग इक्विपमेंट होता है ना, एक टेस्टिंग इक्विपमेंट 2.5 लाख रुपये लगता है। शहर का मेन मुद्दा क्या है ये बताइए, अगर 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 किसी प्रत्याशी से कोई कहे कि ये काम कराओ तो क्या भी है ना सर, मुद्दा रोजगार 20,000 लोग प्रभावित होंगे, 20,000 लोग प्रभावित होंगे इस कारण, जो उन्होंने उसके ऊपर पैसा लगा रखा है लोगों ने, ठीक है, जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं उनका काम खत्म हो जाएगा। उनके अनिल भी साहब के पास भी गए सारे के सारे, मेरा खुद साइंटिफिक का काम है, मैं रजिस्टर्ड फर्म है मेरी, साइंस सिटी भी कही जाती है, तो साइंस सिटी के ऊपर अटैक किया गया, बड़ा तगड़ा तगड़ा अटैक हो गया। बिल्कुल, वो कह रहे हैं आप 1 अक्टूबर को देख लेना, 1 अक्टूबर को ISI मार्क कंपलसरी कर दिया है, ये छोटे छोटे व्यापारी सारे खत्म हो जाएंगे, 20,000 लोग प्रभावित होंगे। ये आसमा नाम की एसोसिएशन बनी हुई है अम्बाला कैंट के अंदर, ये दिल्ली भी जाती है, मोदी साहब के पास बीच के पास भी जाते हैं, ये चौधरी जी के पास भी जाते हैं, ये अपने जो MP साहब बने अभी वरुण चौधरी जी, इनके पास भी जाते हैं, इनका कोई भी मसला हल नहीं हो रहा है, ये लोग परेशान हैं। आपके पास भी आते हैं, आपके पास भी आते हैं, कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। सर ये बताइए इस बार जीत किसकी होगी? जीत तो देखिए जी, मैं बिल्कुल न्यूट्रल आदमी हूँ, न्यूट्रल ही चाहिए, सही बात है, हमें लगता है कि चित्रा सरवारा जीतनी चाहिए। चित्रा सरवारा जो निर्दलीय है, बिल्कुल, क्यों क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि एक वही है जो अम्बाला का कोई सुधार कर सकती हैं, और कोई नहीं जी। मेरे को किसी सुधार चाहते हैं आप ही? मेरे को किसी बुद्धिजीवी ने 2-3 दिन पहले कहा कि किसी का हक है इलेक्शन जीतना, किसी और का, चित्रा जी का नहीं, किसी और का। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, हक तो हमारा भी बहुत था, अच्छी सड़कें थी हमारा हक, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, अच्छा बच्चों का खेलने का मैदान था, कहाँ है वो? आप बताइए कोई खेल का मैदान है? आप मेरे साथ यहाँ से जाके मेरे घर तक चलिए, आपकी गाड़ी के चौकर ना हिल गए तो आपको पता लग जाएगा। सड़क को लेकर के एक रोष है लोगों में। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, सड़क को लेके, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। आप 2-3 बिल्डिंगें खड़ी कर दी, उससे वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं गिना जाता। आप कहते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, वो दैट इज नॉट अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट इज गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इज उसके अंदर जो फैसिलिटीज आप दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? 4 करोड़ की मशीन लगा दी किसके लिए? मैं और आप रोज सिविल हॉस्पिटल जाते हैं क्या? नहीं जाते। मैं और आप रोज सड़कों पे घूमते हैं? बिल्कुल घूमते हैं। मैं और आप रोज मेरे बच्चे प्लेग्राउंड जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। कहाँ है प्लेग्राउंड? एक भी प्लेग्राउंड है बताएं आप साहब, कहाँ डेवलपमेंट हुआ? सर एक ही चीज है जो अम्बाला में अगर सबसे ज्यादा चमकती है तो वो है सुभाष पार्क। आधा से ज्यादा अम्बाला कैंट सुभाष पार्क देखने जाता है। आप मानो कि हमारे रिलेटिव दिल्ली से, चंडीगढ़ से, पिंजोर से आते हैं, वो कहते हैं कि सुभाष पार्क को देख के ऐसे लगता है, वो कौन सा बड़ा मशहूर अपना चंडीगढ़ में पार्क है, रोज गार्डन, मतलब कि एक रोज गार्डन को भी मार्क देता है सुभाष पार्क। मतलब कि आप मानो अम्बाला के हजारों बुजुर्गों की उम्र दुगनी हो गई है सिर्फ और सिर्फ सुभाष पार्क बनने के कारण। उसके ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने भाई की एक बात काटना चाहता हूँ कि सुभाष पार्क बनाया, बहुत बढ़िया बनाया, चलो हम उसमें शुक्रिया अदा करते हैं साहब का। क्या क्या उसमें सुभाष पार्क में मेरा बच्चा फुटबॉल खेलने जाएगा? वो बड़ा होगा, उसकी सेहत सुधरेगी? वो बुजुर्गों के लिए आपने बनाया, बहुत बढ़िया बनाया। मेरा बच्चा क्रिकेट खेलेगा? नहीं खेलेगा। उसमें आपको बैट अलाउड नहीं है। फुटबॉल क्या चाहते हैं? अगर कोई जीतता है यहाँ पर तो क्या क्या काम होना चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है कि क्या होना चाहिए अम्बाला कैंट में। भाई साहब हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक चीजें, वो हमारा हक है। जो उनका हक है वो उन्हें पता है, जो हमारा हक है वो हमें पता है कि हमारा सिर्फ अच्छी सड़कें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो दें। ये नहीं है, सड़क को लेकर के बहुत सारे सवाल, आप ही बताइए आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुआ है या नहीं? सर मेरे को यहाँ का नहीं, मैं बाहर से हूँ, डेवलप का मैं तो रोहतक से हूँ सर, यहाँ का मैं कुछ बता नहीं सकता कैसा है कैसा नहीं है, उस बारे में सर बता सकते हैं ज़्यादा आपको। आपको क्या लगता है अगर ऊपर और हरियाणा की बात करें तो क्या दिखाई देता है, कौन से मुद्दे हैं जिन पर वोटिंग होगी? वोटिंग का मुद्दा तो सर यही है, विकास जो हो रहा है उसको देखते हुए तो फिर बीजेपी को जाता है ज़्यादा क्रेडिट। लगता है पूरे प्रदेश में विकास हुआ है? सर काफ़ी हद तक हुआ है, जहाँ तक मैं जाता हूँ वहाँ तक तो दिखता है हुआ है। किसान नाराज चल रहे हैं? किसान का तो सर आपको MSP वगैरह का तो जो था वो तो आपको भी दिख रहा है सारा चीज़, उस चीज़ को लेके ज़्यादा है और कुछ तो ऐसा नहीं है। एक और मिल गए हैं, आप आइए इधर। चाय बढ़िया है? चाय बहुत बढ़िया साहब। माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है जी, माहौल, मगर सड़कों का बड़ा बुरा हाल है, नालों का बड़ा बुरा हाल है, ना
ना नालियां साफ होती हैं ना सड़कें साफ होती हैं। आप हमारा टेम्पो है ये देखो, ये बोन ब्रेड का है, सारा ठक ठक करके तीन बार ही टूट गया, तीसरा टेम्पो है मेरा ये, क्या करें, अब मजबूरी है, काम तो करना ही। आप कह रहे हो सड़क नहीं बनी? बिल्कुल नहीं बनी, एक पैसे की नहीं बनी, मेन मेन सड़कें बना के छोड़ दी, बाकी बन नहीं रही, हालात खराब है। कुछ और कर रहे हैं, ये बताइए भाव जी, आप बताइए क्या डेवलपमेंट हुआ? बता दिया बेटा। अच्छा ठीक है ठीक है, आप सड़क खराब है, हर पुलिया एक एक साल है फटी बड़ी है, कोई रिपेयरिंग नहीं हो रही, एक एक साल हो गया। क्या चाहते हैं इस बार सरकार, कोई भी आए बढ़िया आए और काम करने वाले। कौन है बढ़िया ये तो बता दो। अरे कोई भी आ जाए, सीटी बजाए चाहे बंसरी बजाए, कोई बजाए। सीटी बजाए मतलब क्या? अरे मैं मतलब सरकार कोई आ जाए, मैं सरकार का कोई चक्कर नहीं है, सरकार का कोई चक्कर नहीं है, सरकार कोई भी आ जाए, चाहे अनिल बीज जी आ जाए, चाहे। बताइए सर इस बार किसकी सरकार? ये तो जनता बताएगी जी सारी, किसकी सरकार? जनता है बताइए सर। नहीं हम तो है ही है, हर एक बंदा परेशान है बालाकंठ के अंदर, हर एक बंदा परेशान है, बताओ कौन सा बंदा सही है, सारे परेशान है इस टाइम, सड़कों से वो परेशान है, हैं नालियों से वो परेशान है, हर एक चीज से देखो बुरा हाल है, गाड़ियां रास्ते में लगा देते हैं, बुरा हाल है, हर एक बंदा परेशान है आजकल। फिर किसकी सरकार, कौन आ रहा है ये तो बताओ। सरकार देखो जी, जोर तो सबका ही है, जोर सबका है, बाकी जो जनता जोर लगा रहा है ये तो बता दो आप। सिटी जोर लगा रही है और क्या लगा रही है, हम तो सिटी के बंदे हैं। ठीक है, जीतेगी चित्रा सरवारा, बस पक्का जीतेगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं अनिल बिज ने बहुत काम किया, ये काम आपके सामने ही है, एक घंटा बारिश आती है उसके बाद देखो विकास, मतलब गवर्नमेंट किसको बोलती है, तो ये हमारी चीज से बाहर है। अभी एक लाइन में आपको बता दो, एक पेशेंट है ये संजय, गवर्नमेंट कहती है जी विकास हो रहा है, ये संजय पेशेंट बैठा है, अब ये बेचारा इतने टाइम से कैंसर पेशेंट है, इतने टाइम से बेचारा धक्के खा रहा है, 15 दिन 20 दिन तो उसमें लाइट ही नहीं थी कैंसर हॉस्पिटल में, और ये कहते हमारा नंबर वन हॉस्पिटल है, अब ये कि वहाँ डॉक्टर भी नहीं देखते, अब आप देखो, अब ये संजय है, इनके साथ ये इनके गार्जियन है, अब आप इनसे पूछो बेचारों को, अब अगर मान लिया इलाज ही नहीं होगा तो क्या विकास करेंगे आप? दिक्कत हो रही है, आइए आइए, क्या परेशानी है? अरे देखते ही नहीं है वो, और मैं कितने लेके जाती हूँ, थक जाती हूँ मैं तो लेके, कभी कहते पीजीआई ले जाओ, कभी कहीं ले जाओ, देखते नहीं है, मैं एक ग्लूकोज की बोतल लगाते हैं भगा देते हैं, अब बताओ मैं इस साल बुढ़ापा शरीर है मेरा, मैं कहाँ लेके जाऊँ, बच्चे मेरे बेचारे इतने छोटे छोटे, इतनी उम्र है नहीं जो उनको देखभाल कर लें, पैसा देला है नहीं, हम 6,000 रुपए तनख्वाह मिलती, 6,000 में क्या इलाज कराएं, क्या दिक्कत आ रही है वहाँ पर जाने में, क्या कह रहे हैं? देखते ही नहीं है भाई, आगे आगे भेज देते, कहते पीजीआई ले जाओ, 32 में ले जाओ, कहीं मैं 32 में भी लेगी वहाँ भी कहते डॉक्टर ही नहीं मिले मेरे को, वहाँ से भी मैं आगे धक्के खा के। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, आप बताइए सर यहाँ पर क्या मुद्दे हैं जिन पर वोट करेंगे आप? हाँ जी, किन मुद्दों के आधार पर वोट, क्या काम होना चाहिए? साहब को जिताओ, अनिल साहब को जिताओ, बस सारा जितना विकास करा हुआ सारा, ये बीस साहब का तो विकास करा हुआ, जो ये हॉस्पिटल बन रहा है, ये पार्क बना हुआ, किसके लिए बना? आम पब्लिक के लिए बनाया है, बीस साहब तो नहीं आके घूम रहे वहाँ पे, ये आम पब्लिक के लिए तो बनाया ना, ये लोग कह रहे हैं डेवलपमेंट ही नहीं, वो कहने को ऐसे है, अब दूसरी पार्टी आ तो कहेंगे जी उन्होंने कुछ नहीं करा, दूसरी पार्टी आला तीसरी पार्टी आला कहेगा जी इन्होंने कुछ नहीं करा, ये आज तक ये बन क्या रहा है, ये सड़कें नहीं बनी हुई जी, ये लाइटें लगी हुई है, कोई अपने घर में थोड़ी लगा रखी है, आम पब्लिक के लिए लगाया है ना, वो दूसरी पार्टी वाला तो कहेगा जी वो गलत है जी, तीसरा गलत है जी, काम हुआ है ये कह रहे हैं, और काम हुआ है ये, जब से बाबा जी अनिल बीज साहब जीत रहे हैं जब से काम ही हो रहा है सारा, ये बिना और जीतेंगे फिर से? हाँ जी जीतेंगे, जितवाएंगे, जीतेंगे भी और जितवाएंगे भी। आपसे पूछ लेता हूँ, ये बताओ भाई क्या माहौल है, सच्ची बात बताओ कौन जीतेगा? सर यहाँ कोई नहीं है टक्कर में, और विश्व आगे में बिल्कुल पक्के। अच्छा। उन्होंने ही आना है और कोई यहाँ विकास नहीं हुआ, यहाँ पे दुनिया जान का विकास हो गया, सिविल हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, सुभाष पार्क है, मतलब नौकरी देते सबको, 166 बोलो बोलो बोलने तो भाई, आपको मौका मिला था। हेलो जी, फिर क्या काम हुआ, काम हो गया? लेकिन जाएंगे तो खुद ही ना, जाएंगे तो खुद ही, दस साल में बनी भाई, हैं? दस साल में बनी, क्या
आप बोलो, अपनी बात रखो। अब ये बोलने देंगे जब भी, तो बोलने दूंगा। ये नौकरी क्वालिफिकेशन के आधार पे मिली है, और किसको मिलेगी नौकरी? नौकरी जो पढ़ेगा लिखेगा वही बनेगा। मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं भी बेला फिर रहा हूँ पोस्ट ग्रेजुएट, पर जो गरीब का बच्चा लगा ना सरकार में, किसी का पैसा नहीं लगा। ये सरकार मान ले, ये पर्ची खर्ची की सरकार नहीं है। वैसे बहुत अच्छा काम कर रही है, पर थोड़ा रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए कांग्रेस आएगी। वैसे तो आएगी, ये देखो ये कांग्रेस आएगी, ठीक है। तो आपने बात तो बीच की कर रहे हैं ना, रोजगार मतलब देखो जो क्या करे। मैंने जेबीटी करके ला पेपर है, आज भी मेरा पेपर है जेबीटी का, एच डेट क्वालिफाइड है। ए ला देख लो, ये देख लो, 45 साल का हो गया, पर ये मतलब कर तो कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। ये तो नहीं कि किस, तो आप बता दो अभी कांग्रेस के राज में कितने को मिली है? आप ही बताओ कांग्रेस के राज में कितने को मिली है? बताओ, मेरी बात सुनो, बताओ कांग्रेस के राज कांग्रेस के राज में और आम आदमी पार्टी के राज में कौन सी नौकरियां मिली है जी? किसको नौकरियां दिलाई है जी? आप ये बताओ, आप कल पीछे चले जाओ, आज से 10 साल पीछे जाओ, कौन सा विकास हुआ था? कोई भी नहीं। अब हुआ है, अब कराया। चाय पर चर्चा बहुत गर्मा गर्म हो गई थी, और अब इस शो में इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।